हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आए हैं जिसका टोटल एरिया आप देख सकते हैं 897 स्क्वायर फीट है एंड इसका जो साइज है वो 22x39 फीट का है। गाइस तो आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाले समझाने वाले हैं जिसमें फुल फैसिलिटी है आपको मिलने वाली एंड ये आपका 3 BHK होने वाला है आज का प्लान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसको आपको टॉप व्यू में दिखाते हैं, ये आपका टॉप व्यू है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का इसका फ्रंट है एंड यहाँ पर रोड आपको 10 फीट का मिलने वाला, जैसा कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, उसका जगह था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो गाइस ये यहाँ से 4 फीट का मेन डोर मिल रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक गेस्ट बेडरूम मिल रहा है जिसमें गाइस 11x11 फीट का है और इसमें W1 विंडो एक है। इसमें आप साइड में सोफा वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली लोबी एंड डाइनिंग में आपको जाने के लिए एक D1 विंडोर दिया गया है। और नेक्स्ट इस साइड में आप देख सकते हैं तो इसमें आपको स्टेयर केस एंड टू व्हीलर पार्किंग ये स्टेयर केस के नीचे कर सकते हैं गाइस। एंड यहाँ से आप क्लॉक वाइज अपने स्टेयर केस से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से कंटिन्यू स्टेयर केस मिलने वाला है गाइस। यहाँ से D1 जो है आपको, इससे पहले आप देखिए यहाँ पे लैंडिंग है, लैंडिंग W1 यहाँ पे एक विंडो भी दिया गया है गाइस। आगे चलने पर यहाँ से D1 जो है आपका डोर 1 है, इसके साथ में अटैच विंडो D2 वो W2 दिया गया है गाइस। नेक्स्ट है आपको लोबी एंड डाइनिंग मिलने वाला है, यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं गाइस, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं इसको। और 15x इसका साइज ने रखा है 15x9 फुट 4.5 इंच गाइस, जो कि काफी अच्छा है आपका डाइनिंग और हॉल के यूज में आराम से आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट है आपका ये जो कॉमन लेट बाथ है जिसका साइज आपका 6x9x5 फीट गाइस। इसमें D2 डोर लगेगा एंड इसका वेंटिलेशन के लिए 2 फीट का वेंटिलेटर दिया गया है यहाँ पे OTS में। OTS का साइज आपका 6x3 फीट गाइस, जिसमें D2 आपको डोर मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे जाने पर आपको लेफ्ट साइड में किचन मिल रहा है। किचन का साइज आपका 6x8 फीट का है जिसमें आपको यहाँ पे फ्रीजर का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आपका सिंक का ऑप्शन है एंड एनी कहीं किसी भी जगह पे आप अपना स्टोव भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए W2 विंडो मिल रही है जो कि OTS में है। OTS में आप एक्सेस करने के लिए यहाँ पे D2 डोर भी लगाया गया है। जस्ट किचन के सामने आप देख सकते हैं एक आपको बेडरूम मिलता है, जिस बेडरूम का या D1 डोर यहाँ से इंटर करते हो और इसमें W1 जो है आपका वो विंडो मिल रहा है यहाँ पे, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपको लोबी में मिलता रहेगा। और इसका बाहरी सोर्स है वेंटिलेशन का, एक यहाँ पे विंडो दिया गया है जो कि आपका OTS में है, विंडो 2 है ये। इस विंडो का, इस बेडरूम का साइज आपका गाइस 10x5x11 फीट का है, जिसमें आपका D2 जो डोर से एंट्री करने पर आपको एक बाथरूम टॉयलेट मिल रहा है जिसका साइज आपका 6x9x5 फीट है गाइस। इसके वेंटिलेशन के लिए आपको वेंटिलेशन यहाँ पे 2 फीट का मिल रहा है एंड गाइस यहाँ पे विंडो आपको बताई दिया 3 फीट का विंडो मिल रहा है। और आगे चलने पर ये बेडरूम एक मिल रहा है, बेडरूम का साइज, दूसरा बेडरूम है गाइस, फर्स्ट ये सेकंड ये, इसका साइज 10x10 फीट है गाइस एंड इसमें W2 विंडो भी मिल रहा है आपको वेंटिलेशन के लिए एंड D2 डोर भी मिल रहा है आपकी साफ्ट या OTS में एक्सेस करने के लिए। इस OTS का साइज गाइस आपका 3x5 फीट है, जी हाँ गाइस, इसका OTS का जो साइज है आपका 3x5 फीट का OTS रहने वाला है। सो गाइस इसकी जो डिटेल है आपके यहाँ पे है, डोर विंडो का, डोर एंड विंडो का डिटेल यहाँ पे है। W1 है आपका 3x7 फुट, D2 है आपका, सॉरी D1 डोर जो है आपका 3x7 फुट एंड D2 डोर जो है आपका 2x7 फुट, W1 जो विंडो है आपकी 4x4 फुट एंड W2 विंडो आपकी जो है 3x4 फुट
एंड वेंटिलेशन के लिए 2 फीट वाइड 2 फीट है गाइस। स्टेयर केस आपका टोटल जो 3 फीट है, एंड राइजर आपके 7 इंच, एंड ट्रेड आपकी टोटल 10 इंच की है, एंड स्टेप टोटल आपकी 18 है। टोटल एरिया आपको बताई दिया 897 स्क्वायर फीट है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। एंड आप अगर अपना प्लान डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे जो जीमेल आईडी है civildesign1@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इससे भी बेहतरीन आप प्लान वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड गाइस, अगर आपको इस वीडियो का यूज भी नहीं आ रहा तो आप उन लोगों के पास इसको शेयर करें जो कि वास्तव में जिनको इस चीज की जरूरत है, जो कि अपना बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, जो खुद से बनाना चाहते हैं। अगर गाइस आप खुद ये प्लानिंग करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑटो कैड की, जिसमें ट्यूटोरियल वाइज पूरा दिखाया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है। सो गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स है, वो अभी आप ज्वाइन कर लें, वहां पे जाके आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।